राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में हुई एक भयानक गैंग वार। मौसूल हुई इत्तला के मुताबिक चिंतलमेट मस्जिद किशोरी बेगम के रहने वाले मियां बीवी में एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद बीवी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर एक घिनौना खेल खेला और अपने शौहर मोहम्मद सद्दाम और उसके भाई मोहम्मद फिरोज और ससुर मोहम्मद इस्माइल पर मुनज्जम प्लान के तहत कातिलाना हमला करके इन्हें शदीद जख्मी कर दिया और इस हमले के बाद घर में मौजूदा 80,000 रुपए और 3 तोले सोना लूट कर राह फरार किया की। लेकिन हमले के शवाहद तो मिल चुके हैं, लेकिन लूटमार की तहकीकात चल रही है। पुलिस की मुकम्मल इंक्वायरी के बाद ही लूटमार के असल हकायक सामने आएंगे। फिर बाद में मेरे भाई को फोन करा, मेरे चाकू से मारे, 5 टाके लगे मेरे को, मेरे भाई को। उसके बाद कॉल करा मैं मेरे भाई बहन को कॉल करा, उसके बाद आए लोग वहाँ मेरे को मारे मार के, फिर उनको भी क्या है जख्मी कर दिया, टाके डाले उनको। और मेरे अलमारी में से 3 तोले सोना था, 80,000 रुपये रकम थी, वो भी छुप लेके चल गए। जो मारने वालों का नाम था रियाज और कलीम रहीम फातिमा और जो सो ताहिरा मोहिन और बाकी के लोगों ने तो मेरे नहीं मालूम, सलमान नाम कुछ था। फिर जब बाद में भाई आए मेरे तो वो लोगों के ऊपर भी अटैक करे, जान का मेरे को धोखा आई है। मेरे भाई को नहीं मिलना है, नहीं मिलने की सूरत में अकेला था, कौन इतला दिए कि लोगों को वो तो मेरे को नहीं मालूम। घर पे मैं अकेला था, मुँह धो के गाड़ी पे आके थकान हो गई तो आके लेटे हुआ था मैं। जस्ट 10 मिनट के बाद आके मेरे को क्या है हमला कर दिए। कितने बजे की बात है ये? 10:30 बजे के दरमियान की बात है ये। उस वक्त तो मेरे को जान भी नहीं थी मेरी, अपने आप में था मैं। ये वजह क्या है लड़ाई की? ये वजह बोलते मेरे भाई से लड़ाई कुछ चल रहा था मैटरों का, उनमें क्या हुआ कि वो मेरे को नहीं मालूम। उन्होंने नहीं मिलने की सूरत पे मैं घर पे अकेला था, मेरे मम्मी भी नहीं थे, मेरे पापा भी नहीं थे। अचानक अटे वो कर दिए, मैं हमला करने वाले कौन है? वो हमला करने वाले ताहिरा रियाज, ये जेंट्स का नाम हूँ। कौन है आपके रिश्तेदार है मेरे, या फिर आजू बाजू वाले हैं? कौन मेरे आजू बाजू वाले तो नहीं है, मेरे भाई के साले हैं, सालियाँ हैं वो। उलों से उलों की दुश्मनी क्या थी कि चुप मेरे को नाजस के तो तकलीफ दे दिए, मार दिए, मेरे घर का सामान तोड़ दिया पूरा, फ्री जल मारी और पूरा घर को डैमेज कर दिए, मेरे वाले साहब को भी मारे लो। सुने तेलंगाना गवर्नमेंट से यादव गुजारिश करता हूँ मैं, मेरे को इंसाफ मिला। सुने और जो मीडिया है उनसे भी मेरे को सपोर्ट मिली तो बहुत बहुत दिल का शुक्रिया अदा करता हूँ उनका मैं। पीएस में कंप्लेंट लिखा है? पीएस में कंप्लेंट दिया तो कल बोलते बोले ना। आपका पीएस लिमिट? मेरा पीएस में राजेंद्र नगर पीएस है, मैं चिंतलमेट किशोर नगर, ये चिंतलमेट किशोरी मस्जिद के बाजू में रहता हूँ, मेरा घर यही है। पुलिस वाले आके देख के गए? पुलिस वाले है, बाहर से खाली फोटो लेके गए, अंदर तो आवा तो नहीं आए, हम वीडियो बताए तो जब देखे ना। कंप्लेंट हुई पीएस में? कंप्लेंट हो गई जी। बोलो भैया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जो बच्ची से शादी करा था पहले, मैं 2 साल रख लेके था इनको, चलते मेरे नो। उसके बाद मैं क्या करा, शादी के बाद एक बच्ची पैदा हुई, बच्ची पैदा होती क्या आवा खिड़की आवा, फिर पीछे जाके घर में बैठे हुए थे हम, आगे घर में उसके साथ लड़ाई हुई तो मार दिया आके वहाँ थे इनके। और जो वाली साहब है इनके मोइन एक जी, और अगर इनके भांजे और कलीम और रहीम, 3 जने संगत थे ना, और तीनों के संगत 20-25 जने संगत और थे ना जी। और जिसके सामने चाकू थी उसके सामने मेरे छोटे भाई को चाकू से मारे, मेरे को चाकू से मारने के मेरे सर पे पड़ी चाकू, पड़ के मैं क्या करा, मैं सर पे आता मारने जाते हैं हट गया तो नाक पे पड़ी जाके कान के साइड मेरे को फट गया जी। तो अरे वाले साहब को भी मारे हुए, और घर में थे अलमारी में थे, अलमारी खोले मैं देखा हुआ हूँ, अलमारी 2 जने खोले हुए, इसमें से पैसे और सोना निकाल लेके ले लेके कितना तोले सोना था? अरे भाई का 3 तोले सोना आया था शादी में, हमारे छोटे भाई की शादी। पैसे कितने थे? 80,000 रुपए पैसे थे इसमें, और हमारे वालिद साहब का भी 20,000-10,000 रुपए, 20,000। कितने जने अटैक करे आपको? कम से कम 20 जने मारे साहब। उसके बाद आप लोग काम भाग गए? हम वहाँ भाग के बाहर निकल गए, इसके बाद दटली पुलिस आ गए, भाग के हमारे वालिद साहब के पीछे लगे, मेरे पीछे आ गए तो मेरे मैं क्या करा, मेरे चाकू से मारते, मैं भाग गया हूँ पहले, हमारे छोटे भाई को मारे पहले, मैं को बाहर पीएस को गए आप? हाँ पीएस को जाके आ गया हम वहाँ जी। तो इसमें क्या है मालूम, इन्होंने बाहर डरा के बात कर रहे, खाली पुलिस वाले भी एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे हमारे पर, हालांकि पीएस का डर के हमारे छोटे भाई का मेरा दोनों का खून जा रहा, तो कुछ भी एक्शन नहीं लिया, पुलिस वाले वहाँ पर डर गए, खाली जोरदान देखे हम होंगे कुछ भी नहीं करे, और हालांकि आधे घंटे 1 घंटे के बाद। अभी कहाँ है आप लोग? हम आप लोग जिस्मानिया में हॉस्पिटल में ठहरे हुए हैं वहाँ इलाज से। आपके वाली साहब बहुत पड़े मेरे बच्चे चाचा ने भाग्य बोल के मारे बच्चे 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 चाचा ने मेरे बच्चे भाग्य बोल के चार जाने मेरे बच्चे आए तो बच्चे बच्चे कितने पैसे थे आपके ना? आपके नजदीक मेरे में तो फाइनेंस के पैसे 2-3 इंस्टॉलमेंट थे। कितने थे वो? 14,000 रुपए थे। 14,000 रुपए थे आपके पास? आपके 14,000 घर में गए कितने? 80,000 रुपए आपके। अच्छा
सोना कितना गया? भाई बच्ची की शादी करा तो 3 तोले सोना दिया थे बच्ची 3 तोले। अच्छी बात, वही चाह रहे हम, इंसाफ चाह रहे हम वहाँ, और कुछ भी नहीं। मेन क्या है मालूम है, इसको वहाँ रॉडी शूटर ओपन कर, उन्होंने रॉडी शूटर ओपन है मोहिन के नाम पे, रहीम के नाम पे जी। कानून के संगत दारूसलाम में 3 बच्चे रहते ना वहाँ जी, 3-4 जने रहते ना वहाँ दारूसलाम में। टोटली आपको होटल कितने जने करे? वहाँ 20 जने करे हमारे ऊपर, घर पे गए सामान पूरा फेंकी, औरतों को भी मार लगे हुआ हमारे, औरतों को भी मारे, औरतों को भी हमारे, तो औरतें भी हमारे हैं, क्या करे, चल गए। आप भी आ जाओ, हमारे छोटे भाई मोटा ये पूरा पूरा फट गया, चाकू से मारे मेरे को। ये मैं घर पे अकेला था जी, घर के सामान पूरा मेरे को तोड़ दिया, आके पूरा फ्रैक्चर कर दिया मेरा, टाके भी लगते हुए अब 118 में जा रहा हूँ मैं जी। इंसाफ चाहिए हुकूमत से।